वेलकम बैक गाइस। यार आज हम बात करेंगे कि इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाई फटाफट से डेमो नाम की। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल का नाम हमने रख लिया जस्ट एक नंबर। ठीक है, कोई से भी एग्जांपल ले लेते हैं, हु केयर्स। तो मैंने नंबर लिया और क्या किया कि इस क्लास के बाहर मैंने पहले तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, बन गया। और मैंने यहाँ पर प्रिंट किया कि भाई डी डॉट नंबर को प्रिंट कर दो। ओके, सिंपली। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि भाई डेमो डॉट डी की वैल्यू प्रिंट कर दो। डेमो मतलब क्लास का नेम, और सॉरी यहाँ पे डी नहीं आएगा, डेमो डॉट नंबर ओके की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो दोनों केसेस में हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ 10, फिर रन करता हूँ, तो यहाँ पे 10 10 दोनों की वैल्यू चेंज हो गई। राइट, सो इन द केस अगर मैं क्या करूँ कि जो डी की वैल्यू है, ओके डी डॉट नंबर की वैल्यू, उसे मैं चेंज कर दूँ 20 में। ओके रन किया, तो यार क्या हुआ यहाँ पे कि डी के लिए एक पर्सनल वेरिएबल क्रिएट हुआ, जिसे बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब ये नंबर हमारा ये क्लास वाला नंबर नहीं है। ठीक है, कैसे, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, मैंने प्रिंट किया जस्ट डेमो सॉरी डी डॉट नंबर। ठीक है, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। ओके, तो ये हमारा हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा है क्लास वेरिएबल, इसे हम जहाँ भी एक्सेस करेंगे हमारा 10 ही रहेगा। हाँ, अगर आप ऐसे करते हैं कि डेमो डॉट मैंने नंबर यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया 20, और उसके बाद में हमने प्रिंट किया डेमो डॉट नंबर, तो अब ये हमारा 20 हो जाएगा। ओके, फिलहाल आपको इंस्टांस वेरिएबल का मतलब समझ में आया होगा, जिसे हम क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकें। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल की सॉरी क्लास वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होती है। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जस्ट आपको क्लास वेरिएबल समझ में आ गया ना, अगर इंस्टांस में यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो अभी हम क्लियर कर लेंगे। अब देखते हैं, मैंने ना यहाँ पे एक और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सेल्फ डॉट यहाँ पे हमने दिया नंबर 2। ठीक है, और उसके अंदर की वैल्यू डाल दी 20, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डी क्रिएट किया फिर से डेमो। तो क्या होगा ना कि हम इस डी के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी क्लास के इस इंस्टांस के थ्रू, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो इस इंस्टांस के थ्रू हम नंबर को तो एक्सेस कर ही सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्लास वेरिएबल है। कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट, कोई भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस नंबर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और डायरेक्टली हम क्लास के नेम से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है, ठीक है, इसे हम क्लास वेरिएबल बोलेंगे। इसके अलावा अगर आपने नाम सुना हो स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स जिनके हम जो हम उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, उन सब के लिए सेम रहता है। ओके, तो इसी क्लास वेरिएबल और इसी हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो वापस यहाँ बात कर रहे थे हम कि अगर डी से नंबर को एक्सेस करेंगे तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम डेमो से नंबर एक्सेस करते हैं तब भी हो जाएगा, क्योंकि क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि अगर हम डेमो से प्रिंट डेमो डॉट यहाँ से नंबर 2 एक्सेस करने की कोशिश करें तो क्या हमारा एक्सेस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ना कि हमारा क्लास वेरिएबल, तो इसे हम क्लास के नेम से एक्सेस नहीं कर सकते। किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी एक इंस्टेंस के थ्रू। तो फिर से एक बार सारी चीज़ें रिवाइंड कर लेते हैं। पहली बात, हमारा जो क्लास वेरिएबल्स होते हैं वो हम किस सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल सेम रहते हैं। ओके, जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो हमारे हर क्लास के लिए, स्टार्टिंग यहाँ तो हम 20 डाल दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके लिए 20 20 आएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उसके नंबर 2 की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगी, ना कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, D2 इक्वल टू डेमो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डी डॉट
नंबर टू की वैल्यू को चेंज करता हूँ, मतलब से मैंने यहाँ पे कर दिया 12, ओके। तो अगर हम प्रिंट कर रहे हैं डी के नंबर टू को, ठीक है, और इसे रन करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने यहाँ पे से 20 से 12 कर दिया, ठीक है, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या डी टू का भी नंबर चेंज हुआ है, ठीक है, नंबर टू चेंज हुआ है, तो यहाँ डी टू डॉट नंबर टू कॉल किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 आ रहा है, जो हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ था, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होती है, ना कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट का पर्सनल होता है, ओके। तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके इंस्टेंस वेरिएबल को, किसी और ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम क्लास वेरिएबल की एक्सेस बात करें, क्लास वेरिएबल की, तो वो कॉमन होता है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यही डिफरेंस था इंस्टेंस वेरिएबल में या क्लास वेरिएबल्स में, ठीक है। तो क्लास वेरिएबल्स के और नेम हमारे क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, या हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं वेरिएबल के लिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।